सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज श्रेयांस पाल एके द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई MIUI अपडेट के साथ, जो कि Redmi Note 10 Pro और Pro Max का एकदम लेटेस्ट बिल्ड आ चुका है। हमारे 13.0.17 का बिल्ड है, जो कि हमारे मीन्स ग्लोबल EEA के लिए अपडेट आया हुआ है। बेसिकली यही अपडेट हम लोग को इंडियन यूजर्स को भी देखने को मिलेंगे इसी में। तो हम लोग यहीं पर ही बात करेंगे क्या चीज़ हम लोग को यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है, बैटरी बैकअप कैसा, परफॉर्मेंस कैसी है। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। एज यूजुअल हम लोग चलेंगे फोन के अबाउट सेक्शन में, जहां पे हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग को MIUI 13.0.17 देखने को मिलता है। Redmi Note 10 Pro मेरा डिवाइस है, यहीं पर ही ऑल स्पेक्स पे जाएंगे तो यहां पे हम लोग को दिसंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहां पे बात करें कर्नल की, तो हम लोग को यहां पे पफ कर्नल देखने को मिलती है, जो कि आप स्ट्रीम 190 के ऊपर बेस है। होम स्क्रीन पे आए तो लॉन्चर की बात करें, तो लॉन्चर में हम लोग को कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। ऑलमोस्ट हर एक चीज़ वैसी की वैसी है, कोई ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। टाइल्स की बात करें तो टाइल्स में भी हम लोग को वही है, हम लोग को कंट्रोल सेंटर में अभी भी कोई भी चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। यहीं पर ही बात करें सेटिंग की, तो सेटिंग में हम लोग को कुछ ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं है। अब आए अगर हम लोग यहाँ पे सिस्टम पे, सिस्टम अपडेट पे, तो यहाँ हम लोग जाके देखेंगे कि व्हाट्स न्यू। तो यहाँ पे हम लोग को केवल दिसंबर का सिक्योरिटी पैच का अपडेट और इंक्रीज़ किया है सिस्टम सिक्योरिटी, तो इतना कुछ यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। नेटवर्क इंटरनेट सारी चीज़ें वैसे ही काम कर रही हैं, जैसे हम लोग को लास्ट अपने इंडियन जितने भी अपडेट आए उन पे ही वैसे ही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। कुछ चेंजेस नहीं है यहाँ पे, मैं कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, बस इतना दिखाने वाला हूँ कोई चेंजेस हैं कि नहीं। 6120 वही है, 9020 आपको यहाँ पे उम्मीद रख ही नहीं सकते हो कि हाँ आपको देखने को मिलेगा। ऑलवेज ऑन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ऑलवेज ऑन को जैसे ऑन करेंगे 10 सेकंड वाला टाइमर अभी भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। इवन तो हम लोग को वही सारे प्रीसेट वाले देखने को मिलते हैं ऑलवेज ऑन के जो हैं। इसके अलावा अगर हम लोग सिक्योरिटी पे आए तो सिक्योरिटी पे हम लोग का फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक एकदम परफेक्टली वर्किंग है, वैसा ही के वैसा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मेन चीज़ है बैटरी। बैटरी की बात यहाँ पे करें तो मेरे फ़ोन में 77% बैटरी अभी भी बाकी है, जिसमें मुझे स्क्रीन ऑन टाइम 1 hour 30 minutes का देखने को मिला, जहाँ पे मेरा आइडल ड्रेन 0.24 है, आप देख पा रहे होगे। और एक्टिव ड्रेन की बात करें 12.68 हम लोग को देखने को मिला। डीप स्लीप हम लोग का 4 hour 1 minute का है, डीप स्लीप एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। डैट मीन्स कि बैटरी बैकअप को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, आपको आराम से 7 to 8 hours का स्क्रीन ऑन टाइम इजीली देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एडिशनल सेटिंग पे आए यहाँ पे रैम एक्सटेंशन की बात करें तो यही ऑप्शन हम लोग को अभी भी देखने को मिलता है यहाँ पे हम लोग को। वैसे अगर हम लोग जाएँ MIUI 14 के जितने भी हम लोग को पोर्ट ही देखने को मिला है, उसमें अप टू 5GB आप एक्सपेंड कर सकते हो। स्पेशल फीचर्स में हम लोग को वही सारी चीज़ें हैं, कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। कैमरे की अगर बात करें तो कैमरे में हम लोग को भी अभी भी यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। भले बात करें हम लोग इसकी वीडियो की, वीडियो में हम लोग को 4K 30fps अभी भी देखने को मिल रहा है। यहीं पर ही हम लोग अगर इसके मोर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग को कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। फोटोज़ की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को वही सारे टिपिकल हैं, बस पॉपअप कलर वाला हम लोग को ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग देखने को मिलता है। एंटूटू बेंचमार्क की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग को एंटूटू बेंचमार्क का स्कोर जो देखने को मिला है वो 358,268 है, जहाँ पे टेस्टिंग के दौरान मेरे फ़ोन का टेम्परेचर 5 Celsius इंक्रीज हुआ, 5% बैटरी ड्रेन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। स्टोर टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग को 21,156 देखने को मिला। यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें गीकबेंच के स्कोर की, तो जो गीकबेंच का हम लोग को स्कोर देखने को मिला है वो हम लोग को कुछ इस तरीके का, जहाँ पे सिंगल में 565 है, मल्टी में हम लोग को 1758 देखने को मिला, जो कि मल्टी कोर में काफ़ी अच्छा स्कोर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। यहीं पर ही बात करें सीपी टोटल की, तो सीपी टोटल का मैक्सिमम GIPS हम लोग को जो देखने को मिला है वो 1,93,159 है, एवरेज में हम लोग को 1,86,591 है, 94% मैक्स आउट परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिली है। और यहाँ पे CPU क्लॉक स्पीड हम लोग को 2.30 देखने को मिला है, जो कि एकदम परफेक्ट है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। सेफ्टी नेट भाई साहब देखो ये मतलब स्वीट वाला है, स्वीटी नहीं है, दैट मीन्स कि इंडियन अपडेट वाला नहीं है, तो सेफ्टी नेट यहाँ पे यार बाय डिफॉल्ट फेल्ड ही होगा ड्यू टू सीटीएस प्रोफाइल और वही ओके। डे इन्फो की बात की जाए तो वाइड वाइन L1 देखने को मिल जाता है, और हाँ पबजी का कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं है,
ना ही आपको स्मूथ और स्ट्रीम और सारी चीज़ें। तो ये मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये MIUI के जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो उसमें ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि BGMI या PUBG का जब अपडेट आएगा उसमें डिवाइस सपोर्टेड स्ट्रीम और 90 FPS, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से एल्गोरिथम में भी नहीं आया भाई अभी तक। खैर, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो अब यार देखो, कंक्लूजन बताऊँ ना कि अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यार देखो कुछ चेंजेस नहीं है। इंडियन वाले में ही रहिए आप, इंडियन के ही स्टेबल बिल्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वही आप यूज़ किए, कोई ज़रूरत नहीं स्विच करने की। हाँ, अगर कस्टम रोम आपको इंस्टॉल करनी है एज लाइक ऑक्सीजन OS हो गया या कोई USB रोम हो गया, मीन्स स्टॉक एंड्रॉयड जैसा, तो आप मेरे चैनल पे रेडमी नोट 10 प्रो की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है उसकी सीरीज़ की, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो दैट्स इट, ये है हम लोग के 13.0.17 का अपडेट हमारे रेडमी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स के लिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।